इस बाइक को भाई अपडेट की ना सख्त ज़रूरत है। काफ़ी एग्रेसिव सिटिंग पोस्चर है। अगर आपको लोअर बैक का इशू है या फिर रिस्ट एल्बो रिलेटेड शोल्डर रिलेटेड कोई इशू है तो भैया इस बाइक पे क्रॉस कर देना। तो है गाइस, वेलकम बैक टू द रिव्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है आप सभी लोगों की चहेती R15S वर्जन 3 के बारे में, बाइक के बारे में सब कुछ इन डिटेल आज अपन लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस, लेटेस्ट ऑन रोड प्राइसिंग, कलर ऑप्शंस क्या रहते हैं, सारी डिटेल आप लोगों को आज मिल जाने वाली है। प्लस ये रहा बिग डैडी, R3 भी अभी के लिए अवेलेबल है। और एक चीज़ जो मैंने भी ना अभी नोटिस करी है, R3 का फ्रंट और V3S का फ्रंट देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ना रिजेम्बलेंस यहाँ पे ना V3S और R3 में अपना रहता है। बस डिफरेंस क्या आ जाता है, एक तो चेंजेस तो देखो है ही, सेम तो हो नहीं सकता, बट ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ पे वर्किंग एयर वेंट रहता है, देख रहे हो अंदर से ये ओपन है। सो कूलिंग फ्लो को मैक्सिमाइज़ करने के लिए ना ये रहता है आपका वर्किंग एयर डैम्प्ड, जो कि R3 में अपने को मिल जाता है। ऐसा ही सेम एक लुक कह सकते हैं अपने को यहाँ पर मिलता है, बट ये वर्किंग नहीं रहता, ये अंदर से कवर्ड है। सो ये एक चीज़ थी जो कि आप लोगों को बताना था। लाइटिंग सेटअप यहाँ पे कॉम्बिनेशन में मिल जाता है, LED और हेलोजन में इंडिकेटर सेटअप है, काफ़ी अच्छा डिसेंट एक लाइटिंग का थ्रू भी आ जाता है। बाइक का डिटेल्ड राइड रिव्यू ऑलरेडी अपलोडेड है अपने चैनल पे, इस टाइप से कुछ की है। ये रहा रेगुलर पैटर्न, जैसे कि हमारी सभी बाइक्स में रहता है, ये इग्निशन को ऑन करते हैं। सो ये आपका MID इस टाइप से ऑन रहेगा यहाँ पर ना, BT कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं मिलता। तो लाइटिंग सेटअप इग्निशन के साथ क्या कुछ ऑन रहेगा वो देख लेते हैं। तो जो अपना साइड वाला कंपार्टमेंट है ये आपका ऑन है इग्निशन के साथ। अभी वीडियो में आगे चल के हेडलैम्प का थ्रो और एग्जॉस्ट नोट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इस टाइप से हेलोजन में इंडिकेटर सेटअप आ जाता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है। थिकनेस ये काफ़ी अच्छा है, मतलब ना काफ़ी अच्छा थिकनेस भी और काफ़ी अच्छा ट्रेवल भी है। दो कलर ऑप्शन बाइक में अवेलेबल रहते हैं। दोनों ही कलर ऑप्शन में जो फ्रंट मडगार्ड है ये आपको मिलेगा मैट ब्लैक वाला ही सेटअप। ये चीज़ आपका सेम है R3S में। रेडिएटर का साइज़ ये आप लोग देख सकते हो, गार्ड इस पर इंस्टॉल करवाना आपको रहेगा। तो कुछ इस टाइप से फ्रंट मडगार्ड था। टायर का पैटर्न ये रहा। टायर सेटअप सेम है, यामा R15 सीरीज़ में या फिर MT सीरीज़ में भी सेम ही रहता है। V4 भी ये रहा अभी के लिए अवेलेबल। फ्रंट डिस्क की बात करते हैं तो 282mm का फ्रंट में डिस्क मिल जाता है। ड्यूल चैनल ABS, जिसका कि ABS का एक स्टिकर भी यहाँ पे मिल जाता है। वाइब्री ब्रेकिंग फ्रंट में है, निशिन ब्रेकिंग रियर में यहाँ पे मिलेगा। MRF ट्यूबलेस ये टायर है। टायर की ग्रेडिंग है 180/17/100 सेक्शन का फ्रंट टायर है। अलॉयज देख लेते हैं, जो कि रहेगा ग्लॉसी ब्लैक दोनों ही कलर ऑप्शंस में, यानी कि ब्लू और मैट ब्लैक जो R15S में कलर ऑप्शन रहते हैं, यहाँ पे ये ग्लॉसी ब्लैक वाला ही सारा सेटअप रहेगा। अभी यही अगर अपन देखते हैं ना V4 में, तो यहाँ पे कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सारा सेटअप चेंज हो जाता है। यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक ही है, ये मजेंटा जाता है, वहाँ पे गोल्डन है, वाइट के साथ ऑरेंज आ जाता है। तो ये एक चीज़ अपना चेंज हो जाता है। रियर टायर सेटअप देखते हैं तो रियर का टायर का पैटर्न ये है, MRF वही टायर। अगर एक पार्ट टायर, अगर सेकंड पार्ट MRF रेव्स S, ये आपका टायर की एक सीरीज़ रहने वाली है। रियर टायर की जो अपनी ग्रेडिंग है ना, ये है आपका 140 सेक्शन का, 140/70R17। तो रेडियल टायर आपको पीछे मिल जाता है। रियर ब्रेकिंग 220mm डिस्क। फ्रंट था अपना वाइब्री 282mm, रियर है 220mm और निशिन ब्रेकिंग के साथ। ड्यूल चैनल ABS यहाँ पे वर्किंग अपना रहता ही है, जो कि काफ़ी अच्छा सेटअप है। और ABS का यहाँ पे जो बाइट है वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। टेल सेक्शन कुछ इस टाइप से है, वही कंप्लीट हेलोजन में रियर लाइटिंग रहेगा। नंबर प्लेट वाला जो बल्ब है ये भी हेलोजन में ही है। टेल टाइडी इस टाइप से है, इसको आफ्टर मार्केट आप लोग चेंज भी करवा सकते हो। सिंगल पीस में सीट है। R3 में भी स्प्लिट सीट आता है, V4 में भी स्प्लिट सीट आता है, और M में भी स्प्लिट सीट आता है। सिर्फ यहाँ पर आपको मिलेगा ये सिंगल सीट और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप। एक स्ट्रैप आ जाता है पिलियन के लिए। ये जो रियर फेयरिंग वाला पार्ट है ये आपका वर्किंग एयर वेंट का भी काम करता है। स्टिकरिंग का एक छोटा पार्ट यहाँ जाता है। मैट ब्लैक का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। फ्यूल टैंक पे यामा का जेल वाला स्टिकर आ जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल 11 लीटर, 11 लीटर का फ्यूल टैंक है। R15S फिंस वाला पार्ट, वार्निंग स्टिकर, A20 फ्यूल कैप, की होल पे कवरिंग, टोटल 11 लीटर। शेप यहाँ से आप लोग देख सकते हो। पेंट क्वालिटी यामा की सभी बाइक्स में काफ़ी अच्छा रहता ही है। दो कलर ऑप्शन में V3S अवेलेबल रहती है। ये है अपना रेसिंग ब्लू, जो कि यामा का ट्रेडमार्क कलर कहते हैं, या जो रेसिंग ब्लू ना यामा रेसिंग का। R3 में भी यही कलर अभी के लिए अवेलेबल है। एक रहता है मैट ब्लैक। तो दो ही कलर ऑप्शन में V3S अवेलेबल रहता है।
इस बाइक को भाई अपडेट की ना सख्त ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। इससे कौन कौन रिलेट करता है ना, एक हार्ड ज़रूर से छोड़ देना, और स्पेशली ब्लू कलर का हार्ड ज़रूर से छोड़ना है। V3S में अगर अपडेट्स आप लोगों को भी चाहिए तो साइड प्रोफाइल देखते हैं ना बाइक का, तो सीट हाइट यहाँ पर मिलता है 815 mm का, 815 mm का टोटल सीट हाइट है, 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, फुली फेयर्ड वाला लुक है। ये चीज़ आप लोग देख सकते हो, यामा का प्रॉपर मार्किंग, R15S वर्जन 3.0, VVA वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, ये था स्टिकरिंग, काफ़ी मिनिमम है। थोड़ा बहुत ऐड और आप लोग करवा सकते हो, हल्का सा अगर नियॉन का एक ना इसमें हिंट देना है बढ़िया हो जाएगा, बेस्ट पार्ट ये हो जाएगा। ब्रेक लीवर कुछ इस टाइप से है, थ्रोटल ये रहा, थ्रोटल रिस्पॉन्स भी कुछ इस टाइप से, काफ़ी क्विक यहाँ पर रहता है। जो बाइक का राइड रिव्यू है ना वो ज़रूर से चेकआउट करना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आपको सारे ना एक मेरा पर्सनल ओपिनियन मिल जाएगा बाइक में कैसा एक सिटिंग पोस्चर है, या फिर कैसा बाइक का ओवरऑल फील वाइल राइडिंग आता है। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की। सो ऑयल चेंज करने के लिए और ऑयल फिल्टर चेंज करने के लिए यहाँ पे सेपरेट एक विंडो मिल जाता है, ताकि बार बार ये वाला पैनल ओपन करना ना पड़े, क्योंकि टाइम के साथ थोड़ा सा रैटलिंग नॉइज भी आ जाता है। बाइक का फ्रेम भी यहाँ से ये विजिबल रहेगा। इंजन की बात करते हैं तो 155cc का लिक्विड कूल्ड SOSC 4-valve इंजन यहाँ पे मिल जाता है। पावर रहने वाला है 18.4 HP का और 14.2 Nm का टोटल आपका टॉर्क है। बाइक का टोटल वेट है 141 kg बाइक का टोटल वेट रहता है, और 18.4 HP का पीक पावर है। स्लिपर क्लच भी मिल जाता है, जैसे कि क्लच का फील भी काफ़ी लाइट भी हो जाता है और क्विक रिस्पॉन्स भी हो जाता है। अब यहाँ पर अपने पास MT भी है, MT का बेस वेरिएंट ये रहा, जो कि V3 का नेकेड वर्जन आप कंसीडर कर सकते हो, ओनली MT के बेस वेरिएंट को ही। बाकी ये रहे अभी के लिए 4 कलर ऑप्शन, नया वाला विंटेज ग्रीन और नया वाला CN। सो कलर डिटेल MT की भी मिल गई ना साइड बाय साइड। इस टाइप से कुछ हैंडल बार वाला पार्ट रहेगा, क्लिप ऑन, काफ़ी एग्रेसिव सिटिंग पोस्चर है। अगर आपको लोअर बैक का इशू है या फिर रिस्ट एल्बो रिलेटेड शोल्डर रिलेटेड कोई इशू है तो भैया इस बाइक पे क्रॉस कर देना। आपको अगर बाइक लेना ही है, R15 लेना है, तो यहाँ के कंपैरिजन में V4 ले सकते हो, क्योंकि V4 का सिटिंग पोस्चर चेंज हो जाता है। नहीं तो बेस्ट पार्ट MT है ही, सेम इंजन है, थोड़ा सा एक राइडिंग एक सेटअप भी चेंज हो जाएगा। MT में 139 kg यहाँ पर टोटल वेट रहता है, इंजन सेम ही है, प्राइसिंग भी मोरलेस सेम ही है, और R3 का भी जो सिटिंग पोस्चर है ना वो भी काफ़ी अच्छा है। R3 का भी राइड रिव्यू बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए अपने चैनल पे आ जाएगा। क्लच का फील नेक्स्ट लेवल लाइट है, रबर कवरिंग यहाँ पे आ जाता है, हाई बीम लो बीम प्लस पास 3-in-1 स्विच ये है, इंडिकेटर ड्यूल बजर में काफ़ी लाउड हॉर्न है, चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल नहीं है, बट वो चीज़ शोरूम से ही इंस्टॉल करवा सकते हो एक्स्ट्रा पे करके। की अपन लोग देख ही चुके हैं, इग्निशन रेगुलर जगह पे, राइट साइड पे किल स्विच है, देन अपना स्टार्टर जाता है, थ्रोटल कुछ इस टाइप से। ये कुछ आपका एक POV बनेगा बाइक पे बैठने के बाद, रियर व्यू मिरर कुछ इस टाइप से आपका प्रॉपर फोल्डेबल वाला पार्ट रहेगा। वाइज़र अपना रह गया था तो वाइज़र पहले देख लेते हैं, तो सेमी डार्क वाला वाइज़र वाला पार्ट है। नंबर प्लेट का होल्डर आ जाता है फ्रंट हेड पे, R15S रियर व्यू मिरर, ये रहा V3 का और ये रहा आपका R3 का, सेम है सब कुछ, R15 सीरीज़ में भी और R3 में भी, ये आपका रियर व्यू मिरर सेम ही रहेगा। देख लेते हैं MID में क्या कुछ है, तो MID का स्टार्टअप एक और बार चेक करते हैं, तो यह जितना हाई बडीज टाइप से कुछ ये कंप्लीट आपका स्टार्टअप रहेगा, हार्ट बीट टाइप वाला पैटर्न भी है, गियर इंडिकेटर है आपका, RPM मीटर आ जाता है, क्लॉक यहाँ पे शो रहा है, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, यामा का प्रॉपर मार्किंग, दोनों साइड सारी वार्निंग लाइट्स हैं। अब चेंजेस करने के लिए स्विच है, जैसे कि पर 100 किलोमीटर और बाइक का एवरेज आ जाता है, पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग ट्रिप मीटर भी है, रियल टाइम एवरेज भी है, ऑडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F और क्लॉक, तो ये सब कुछ आपको यह रहेगा MID में। कर लेते हैं बाइक को स्टार्ट और सुनते हैं एग्जॉस्ट नोट। स्टार्टअप काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, यामा की सभी बाइक्स में, सभी स्कूटीज़ में ना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ स्टार्टअप रहता है, और लाइटिंग ऑन, ये आपका ड्यूल कंपार्टमेंट रहेंगे, यहाँ भी 2 कंपार्टमेंट है, यहाँ भी 2 कंपार्टमेंट है, हाई बीम लो बीम वाला ये पूरा सेटअप है। सो इसका ना पूरा ओवरऑल सेटअप ऑन कर लिया है, ये कुछ इस टाइप से आपका लुक बनेगा लाइट्स ऑन होने के बाद। हज़ार्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो कि V4 में MT में अवेलेबल रहेगा, इस टाइप से कुछ। ये अपना एग्जॉस्ट नोट है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे आपको ये सेटअप मिल जाता है। और ये इंजन भी ना अभी रिसेंट मैंने ना एक 70,000 चली हुई
R15 V4 देखी थी, मतलब कि ये इंजन भी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। अगर आप लोग भी R15S वर्जन 3 ओन करते हो तो अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बाइक के साथ अभी तक का कैसा है, क्या आपका सर्विस एक्सपीरियंस है, कैसा आपका माइलेज निकल रहा है बाइक से, तो वो चीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर से मेंशन कर सकते हो। काफ़ी सारे भाइयों की उस चीज़ से ना हेल्प होती है, V3 हुआ V4 हुआ, तो अपना ओपिनियन ज़रूर से कमेंट में मेंशन करना है। कर देते हैं वीडियो एंड, कैसा लगा इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए वीडियो रहा हो तो एक लाइक ज़रूर से कर देना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर भी ज़रूर से कर देना। और यहाँ पे भैया अपडेट आ जाने चाहिए जल्दी से जल्दी, उसके लिए एक हार्ड ज़रूर से बना देना है कमेंट में। मिलते हैं कल रात 9 बजे अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जाना बहुत कभी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी, टेक केयर, बाय बाय।